पाँच साल हो गया इधर नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करते हुए सर कैसा लगता है, क्वालिटी वगैरह? एकदम बढ़िया क्वालिटी है, पेपर जैसे फाफड़े बन रहे हैं। और फाफड़ा की क्वालिटी आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कितनी बढ़िया क्वालिटी का आपका फाफड़ा जो है बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, जो 10 लेबर काम करेंगे उनका काम एक लेबर के साथ ये मशीन कर देगा, यानी जो 9 लेबर आपके फ्री है उनको आपको किसी दूसरे काम में असाइन कर सकते हैं। एक्सचेंज मशीन में जाना चाहिए या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहिए? ना ना, एक्सचेंज में ही जाना चाहिए। एक्सचेंज में जाना चाहिए, एक्सचेंज में ही जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जैक्सन मशीन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आ चुके हैं हमारे एक और कस्टमर के पास, गोर्धन भाई गाठिया वाले के पास, कस्टमर का रिव्यू लेने के लिए। यहाँ पे कस्टमर ने हमारे मशीन लगा रखे हैं, वो आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पूरा नासा हाउस कस्टमर ने यहाँ पे बना रखा है। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, गाठिया, फाफड़ा, जलेबी, जो भी आपको चीज़ चाहिए रहती है सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर कस्टमर ने हमारे मशीन लगा रखे हैं, निकोल अहमदाबाद में हमारा मशीन लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइव प्रोडक्शन चालू है, यहाँ पर कस्टमर भी आए हुए हैं। सर कितना टाइम होगा यहाँ से फूड लेते हुए? करीबन 5 साल हो गया इधर नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करते हुए सर कैसा लगता है, क्वालिटी वगैरह? एकदम बढ़िया क्वालिटी है, पेपर जैसे फाफड़े बन रहे हैं एकदम। जैसे बाहर की जगह हाथ से बनाते हैं, यहाँ पे आपको मशीन का फाफड़ा एकदम हाइजेनिक फाफड़ा मिलता है। सर कैसा लग रहा है टेस्ट? बहुत बढ़िया टेस्ट है, सेम टू सेम टेस्ट है। और सर जैसे कि यहाँ पे आपको नमकीन जो रहता है ये भी हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी से मशीन से ही बनता है, तो नमकीन का टेस्टिंग कैसा किया आपने, जो टेस्ट किया नमकीन वगैरह जो है वो कैसा लगता है? वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत पुरानी ब्रांच है इसलिए तो टेस्ट तो वही है सदाबहार। दोस्तों देख सकते हैं कस्टमर, यो कस्टमर के भी कस्टमर कितने पॉजिटिव है। यहाँ पे देखेंगे तो लाइव फाफड़ा का प्रोडक्शन चालू है, ये हमारा फाफड़ा मेकिंग मशीन है, इसके अंदर से यहाँ पे देखेंगे कस्टमर अभी फाफड़ा तोल के दे रहे हैं। और फाफड़ा की क्वालिटी आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कितनी बढ़िया क्वालिटी का आपका फाफड़ा जो है बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, राइट, एकदम गर्मा गर्म फाफड़ा आपको बना के कस्टमर सेल कर रहे हैं अपने स्टोर के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक कढ़ाई भी हमारा लगा हुआ है और यहाँ पे कस्टमर मशीन से भी फाफड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं। और हमारे कहने पे देखिए, आपको ये दिखाने के लिए अभी मैन्युअली भी हम करवा रहे हैं कि किस तरीके से पहले के टाइम पे किया जाता था, जैसे इसे हाथ से अपने इस तरीके से घिसना पड़ता था। अब ये मशीन इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का आ चुका है जिसके माध्यम से जस्ट ऊपर से आपको इस तरीके से लोहा लगा देना है, नीचे से फाफड़ा आपका बनके तैयार हो जाने वाला है। इलेक्ट्रिक कढ़ाई भी जैक्सन मशीन का कस्टमर ने लेके रखा हुआ है और इसके माध्यम से जो फूड है वो फ्राई हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए। ये देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी का दोस्तों फाफड़ा बनके तैयार हो गया है। जैसे कि आप जो 10 आदमी आपके जो काम करेंगे, जो 10 लेबर काम करेंगे उनका काम एक लेबर के साथ ये मशीन कर देगा, यानी जो 9 लेबर आपके फ्री है उनको आपको किसी दूसरे काम में असाइन कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यापार चालू कर सकते हैं उन लेबर के सहायता के साथ, क्योंकि 10 आदमियों का काम एक मशीन एक लेबर के साथ कर देने वाले। तो आपके 9 लेबर को आप कहीं और यूज कर सकते हैं, किसी और बिजनेस में यूज कर सकते हैं या फिर आपके बिजनेस में किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो इतना दोस्तों बढ़िया क्वालिटी का मशीन, ये भी हमारा इलेक्ट्रिक कढ़ाई है। ये देखिए यहाँ पे सर ने ऊपर वुडन लगवा दिया है और बाकी जैक्सन मशीन का इलेक्ट्रिक कढ़ाई है, सर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैक्सन मशीन ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है, राइट। बिजली से चलने वाला कढ़ाई है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कहीं भी धुआं वगैरह नहीं हो रहा है, राइट। जैसे कि आपका जो गैस का कढ़ाई रहता है या फिर डीजल का कढ़ाई रहता है, लकड़े का कढ़ाई रहता है, लकड़े जो लकड़े लगा के जिसको आपने जलाते हैं वो कढ़ाई रहता है, उसके अंदर बहुत धुआं होता है। अगर इस तरीके से आप फाफड़ा तल रहे हैं तो पूरे शॉप के अंदर धुआं धुआं हो जाता है, पर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल धुआं वगैरह नहीं है, एकदम कुछ भी आपको यहाँ पे धुआं वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला है। जैसे कि 2 मशीन तो आपको दिखा दी, आपको आगे नमकीन मशीन भी हम दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा नमकीन मेकिंग मशीन है, इस मशीन के माध्यम से आप कोई भी नमकीन बना सकते हो, गाठिया हुआ, चवानी की जो नमकीन रहती है, झीनी से हो, मोटी से हो, फिर और भी जो जो नमकीनें आती हैं, पापड़ी वगैरह, सब कुछ आप इसके अंदर से बना सकते हो, रतलामी से हो, तीखी से हो, मोरी से हो, सब इसके अंदर से आप बना सकते हो। जैसे ये भी मशीन कस्टमर ने लेकर रखा है, और साथ ही साथ जो आटा गूंदने का मशीन रहता है, जैसे
हर बिजनेस में आटा गूंदने का मशीन दोस्तों यूजफुल होता है। अगर आपका जैसे नमकीन का शॉप है या फिर रेस्टोरेंट है, ढाबा है, कुछ भी है, ट्रस्ट है, हर जगह ये मशीन आपको नीड रहने वाला है, राइट। तो देख पा रहे हैं ये भी कस्टमर ने इंजेक्शन मशीन से परचेस करके रखा हुआ, कितना बढ़िया क्वालिटी का दोस्तों मशीन है। इसके अंदर से आप आटा गूंद सकते हैं, कस्टमर इसके अंदर से फाफड़े का आटा हुआ, नमकीन का आटा हुआ, ये सब इसके अंदर से गूंदते हैं, पापड़ी का आटा हुआ। और भी कस्टमर ने बहुत सारे मशीन लेके रखे हुए हैं इंजेक्शन मशीन से, जो नॉर्मल भट्टी रहती है, नॉर्मल भट्टी भी कस्टमर ने दो मशीन ले रखी है इंजेक्शन मशीन की। और साथ ही साथ ये जो स्टीमर रहता है खमन का, जैसे अभी चौरस आ गए हैं, पहले के टाइम पे जैसे राउंड स्क्वायर वाले राउंड टाइप के रहते थे स्टीमर, तो ये राउंड स्टीमर भी कस्टमर ने इंजेक्शन मशीन से परचेस करके रखा है। और साथ ही साथ जो ग्रेवी, जैसे कि आटे का मशीन हर बिजनेस में नीड रहता है, उसी प्रकार से जो ग्रेवी रहता है, ग्रेवी का मशीन भी दोस्तों हर बिजनेस की नीड रहता है, राइट। तो ये ग्रेवी मशीन भी आपको इंजेक्शन मशीन का ही शॉप में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए अब आपका कस्टमर से रिव्यू जानते हैं किस प्रकार का उनको रिस्पॉन्स दे रही है कंपनी। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं गोवर्धन भाई गाठिया वाले का जो अपने डायरेक्टर है वो हमारे साथ आ चुके हैं इंजेक्शन मशीन के यूट्यूब चैनल पे। सर क्या नाम है आपका? हरीश भाई। कितना टाइम हो गया सर गोवर्धन गाठिया ब्रांड को चालू किया आपका? 10-12 साल हुआ। 10-12 साल हो गए सर। इंजेक्शन मशीन से आपने कौन कौन से मशीन परचेस किए हैं? मैंने वो नमकीन मशीन परचेस की है, फाफड़ा मशीन है, और कढ़ाई है, इलेक्ट्रिक कढ़ाई, और चटनी ग्रेवी मशीन है, आटा गूंदने का मशीन है। और सर पहला मशीन कौन सा लिया था आपने हमसे? पहला मशीन मैंने वो नमकीन मशीन लिया था। नमकीन मशीन लिया सर। कैसा, कितना टाइम हो गया नमकीन मशीन को लिए हुए? 4-5 साल हुआ। ओके, और फाफड़ा मशीन को कितने साल हो गए? मशीन को भी 4 साल हुआ। और इलेक्ट्रिक कढ़ाई अपना सर? इलेक्ट्रिक कढ़ाई भी 3 साल हुआ। 3 साल हो गया। यानी ये जो कढ़ाई, जो ये जो मशीनें हैं सर आपने जो लगा रखी है, उसमें कभी भी आपको करंट वगैरह का खतरा देखने को मिला? नहीं, कुछ नहीं, कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है। मशीन की सर्विस भी बहुत अच्छी है। अच्छा, यानी जैसे कि सर 4-5 साल हो गए हैं, 4-5 साल मशीन चलता है, तो कुछ ना कुछ तकलीफ आती है अपने मशीन में? कितनी तकलीफ आ गई सर अभी तक? नहीं, एक भी तकलीफ नहीं आई, एक भी बार तकलीफ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है, वीडियो चालू करने से पहले आपको बोला हो कि कुछ तकलीफ ना आई हो, ऐसा बोल दीजिए? ना ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यानी हॉनेस्ट रिव्यू ले रही है जैक्सन मशीन कंपनी। दोस्तों देख पा रहे हैं कस्टमर 4-5 साल हो गए मशीन लिए, अभी तक मशीन में कोई दिक्कत आई नहीं। सर कैसे पता चला जैक्सन मशीन इतने बढ़िया क्वालिटी के मशीन बनाता है? वो तो मैंने ऑनलाइन सर्च लिया था। ऑनलाइन सर्च किया? हाँ, तो उसमें वो मैंने सोचा कि इधर ही बनाते हैं तो इधर ही मेरे को सर्विस मिलेगा, बाहर से लूंगा तो बाहर से सर्विस नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में भी सर अहमदाबाद में बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरीके की मशीनें बनाते हैं, तो इंजेक्शन मशीन को ही क्यों चूज किया आपने? इसलिए मैंने इधर ही मेरे को नजदीक में ही पड़ता था, इसलिए मैंने इधर ही चूज किया। अच्छा, इसलिए? हाँ, कभी भी मैं, अभी मेरा 1 किलोमीटर का रास्ता है, कभी भी मेरे को प्रॉब्लम हो तो तुरंत मैं पहुंच जाऊंगा, उसका आदमी भी वहां से भेजने का होगा तो भी उसको इजी रहेगा, आराम से। हाँ, और मेरे को भी सर्विस मिलेगी। और जैसे कि सर आपका जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट लेवल कैसा है? ओ, मेरे 40-50% का प्रॉफिट, यानी बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है किसी को भी। और जैसे कि सर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, अगर उनको कोई मशीन वगैरह बाय करना है तो कहाँ से करें? इंजेक्शन मशीन में जाना चाहिए या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहिए? ना ना, इंजेक्शन में ही जाना चाहिए। इंजेक्शन में ही जाना चाहिए। और जैसे कि सर कस्टमर जो आपके आ रहे हैं उनको आपका जो टेस्ट कैसा लग रहा है? उनका बहुत बढ़िया टेस्ट लग रहा है, मशीन में भी बनाते हैं तो भी अच्छा टेस्ट लगता है, और हाथ से भी बनाते हैं तो भी अच्छा टेस्ट लगता है। और जैसे कि सर आपके जो शॉप है उसका प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए, कोई अगर हाइजेनिक फूड एंजॉय करना चाहता है तो आपकी शॉप पे आ सके। मेरा शॉप का एड्रेस है दुकान नंबर 9 हरिकृपा सोसाइटी शॉपिंग सेंटर गजानन कॉम्प्लेक्स के सामने, निकोल खोडियार मंदिर के पास, निकोल अहमदाबाद। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कस्टमर ने इतने सारे मशीन इंजेक्शन मशीन से परचेस कर रखे हैं, और यहाँ पर सर बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे जलेबी, फाफड़ा, गांठिया, ऐसे बहुत सारी चीजों का यहाँ पर सर प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कोई भी छोटे से बिजनेस का स्टार्टअप करना, तो इंजेक्शन मशीन के साथ जुड़ के अपने खुद के छोटे से बिजनेस का स्टार्टअप कीजिए। इतनी रेप्यूटेटेड कंपनी है दोस्तों इंजेक्शन मशीन कंपनी, 5-7 साल हो गए मशीन को खरीदे, पर अभी तक मशीन में 0 कंप्लेन है, राइट सर? बिल्कुल 0 कंप्लेन है। यानी ऐसा तो नहीं है कुछ के करवाया ही नहीं है, कुछ नहीं करवाया। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं आपके इंजेक्शन मशीन कितना रेप्यूटेटेड कंपनी है, कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है इंजेक्शन मशीन की, आपको हर जगह जा रहे हैं सब कस्टमर इतना सेटिस्फाइड है, 5-7 साल कस्टमर को मशीने ले हो गए हैं, पर कहीं भी कस्टमर को किसी भी लेवल पे कोई भी समस्या नहीं आ रहा है, ताकि जैसे करंट का खतरा हुआ, मशीन का बिगड़ना हुआ, कस्टमर का अनसेटिस्फाइड होना, ऐसा कुछ भी इंजेक्शन
मशीन की मशीनों में आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, राइट। तो ये होती है एक रेप्यूटेटेड कंपनी की पहचान और एक एक्सपीरियंस कंपनी की पहचान, जिसके पास हमारे पास एक्सपीरियंस टीम है जिसके माध्यम से इतनी बढ़िया क्वालिटी की मशीन जंक्शन मशीन मार्केट में सेल कर पा रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं खुद के प्रॉफिटेबल बिजनेस की शुरुआत करना तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आज ही कॉल कर दीजिए और अपना मशीन बुक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जंक्शन मशीन यूट्यूब चैनल।